हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आलू और मैगी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता। चलिए बनाते। मैंने यहाँ पे दो आलू को बॉईल करके ले लिया है। आलू को मैंने बीच से काट लिया है। आलू को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से मैंने सभी आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पे एक कप मैदा लिया है। पहले आधा कप डालेंगे, आधा कप बाद में जरूरत होगी तो और डालेंगे। थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे इसमें, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मुझे थोड़ा गीला लग रहा है तो इसमें आधा कप मैदा और डाल देंगे। तो टोटल मैंने इसमें एक कप मैदा डाला है और इसे गूंथ कर इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। इसमें मैदा उतना ही डालना है कि डो लगकर तैयार हो जाए और पानी डालने की जरूरत ना पड़े। तो हमें ना ही ज़्यादा हार्ड डो लगाना है, ना ही ज़्यादा गीला। इस तरह का सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेना है। इसे हम साइड में रख लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस पे एक गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ गया है। इसमें हम डालेंगे मैगी। तो मैंने एक पैकेट बड़ा वाला मैगी का लिया है, इसे हम इसमें डालेंगे। मैगी को इस तरह तोड़ के इसमें डाल देंगे। अब इसमें मसाला डालेंगे जो मैगी पैकेट के साथ में आता है वो, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए डालेंगे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। आप इसमें टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज आपको पसंद है तो डालें, वरना आप ना डालें। और इसे पका लेंगे। इसे हमें उतना पकाना जब मैगी खाने के लिए पकाते उतना इसे पका लेंगे। तो मैगी पक गई है, इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छे साफ कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया है और हमने जो डो लगाकर तैयार किया था उसकी बड़ी सी लोई बना ली है। और इसे हम बेल लेंगे। इसे हमें रोटी जैसा बेल लेना है। इस तरह का हमें बेल लेना है। आप देख सकते हैं, ना ही ज़्यादा मोटा, ना ही ज़्यादा पतला। एक छोटी कटोरी लेंगे और इस तरह सर्कल में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं, इस तरह का मैंने कट कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा बचा है उसे भी इस तरह बेलकर तैयार कर लेंगे। और मैगी भी थोड़ी ठंडी हो गई है, इसका हम स्टफिंग के रूप में यूज़ करेंगे। इसके ऊपर मैगी की स्टफिंग रखेंगे, तो जितना आएगा उतना रखेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे और उंगली से दबाते हुए इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। और इसके ऊपर डिजाइन बनाने के लिए कांटे वाली चम्मच से इस तरह डिजाइन बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है दिखने में। तो इस तरह से हम और भी बनाएंगे। तो इसके ऊपर मैगी की स्टफिंग रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे और उंगली से दबाते हुए इसे अच्छे से पैक कर लेंगे और कांटे वाली चम्मच से इस पर डिज़ाइन बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है। तो इस तरह से हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने सभी को बना लिया है। यहाँ पर मैंने गैस पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इस तरह उलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया इसका। ये अच्छे से फ्राई हो गए, तो इसे एक प्लेट में बाहर ले लेंगे। इसी तरह से हम और भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आलू और मैगी का बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनकर तैयार है। इसे मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं अंदर मैगी की स्टफिंग कितनी अच्छी दिख रही है। तो इसे आप केचप के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।